हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, आज एक छोटी सी ट्रिक वाली सेशन स्टार्ट की है, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा इतिहास में लर्न करना हमें बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं गाइज, उसी के रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं जो आप पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको अगर लर्न होती हैं वो याद आ जाती हैं, तो चार ऑप्शन देख के आप उनके इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे अगर गाइज हम देखें, SSC CGL की बात हो, CHSL की बात हो, आपने जो एग्ज़ाम देखे होंगे उसमें होता क्या है, इतिहास से आप ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ नहीं आ रहा है। आपसे क्या पूछेगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, इस वंश का प्रथम शासक कौन था, मेन मेन जो शासक होते हैं जिन्होंने कुछ निर्माण किया होता है उनके बारे में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेजर जो पोर्शन आप आ रहे हैं वो आपका कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर से आ रहा है, तो हमें इतिहास में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो गाइज लर्न होने चाहिए। जैसे कि जितने भी हमारे भारत में राजवंश हुए हैं उनके फर्स्ट राजा कौन है और उनके लास्ट सक्सेसर कौन है, ठीक है, अंतिम राजा कौन है। तो गाइज इस पर एक वीडियो मेरी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, सारे के सारे जितने वंश हैं उनके प्रथम राजा, उनके अंतिम राजा और जो मुख्य मुख्य उन्होंने काम किए वो एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, जिससे आपका एटलीस्ट वन नंबर, क्योंकि हर एग्जाम में एक नंबर तो आपका आता ही है इस सेक्शन से। तो गाइज आज जो ट्रिक है वो हमने बनाई है, देखिए सल्तनत काल के वंशों के संस्थापक क्रमानुसार, ठीक है। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों ने इस पे राज किया था। तो इन पांचों में क्या था, इनका क्रम क्या था, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ कि पहले किस वंश ने शासन किया, उसके बाद किसने किया, फिर इसी ट्रिक में मैंने इनके जो पहले राजा हैं। तो गाइज हमारी जो ट्रिक है आज की वो है किस पे, सल्तनत काल के वंशों के संस्थापक क्रमानुसार। जितने भी हमारे सल्तनत काल में वंश थे हमें पता है पांच वंशों ने क्या किया था, शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो इनका क्रम क्या था, जो मैंने जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में इनका क्रम था। हम पढ़ेंगे इनके पहले राजा के ट्रिक के बारे में। तो देखिए जो ट्रिक है आपकी वो है ऐबक जल गया खेल में, ठीक है। ऐबक से आप देख सकते हैं सबको नाम पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या था, ऐबक वंश या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया। यहाँ से आप याद रखिएगा गाइज, जो ऐबक वंश हुआ था 1206 से 1290 गुलाम वंश का क्या था, ये क्रम था, जब 1206 में इनकी स्टार्टिंग हुई और 1290 में इस वंश का पतन हो गया था। अगर इसके लास्ट शासक की बात करूँ गाइज तो वो था कैमूर्स, ठीक है, कैमूर्स। कैमूर्स जो था ये कैकुबाद का पुत्र था, 2 या 3 साल का ही था, उसकी इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और फिर किसका यहाँ पर हो जाता है वंश, खिलजी वंश आ जाता है आपका दूसरा। तो देखिए हमारे ट्रिक में दूसरा नाम क्या है, ऐबक हमने पढ़ लिया, दूसरा है जल। तो जल से क्या हो जाएगा गाई, जलालुद्दीन खिलजी, नाम में ही इसके खिलजी आया है, तो ये कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक था। अगर गाइज में इसकी बात करूँ शासन की खिलजी वंश के, तो ये 1290 से स्टार्ट होता है और आपका जाता है 1320 तक, ठीक है, 1290 से 1320 तक। जब हिस्ट्री की गाइज हमारी सीरीज चलेगी तो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें। उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है गाइज वो आ जाता है, देखिए ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, गया। तो गया से क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और अगर हम गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश की क्रम को जाने तो ये तीसरा था आपका शासन, ठीक है। पहला किसका था, गुलाम वंश का, दूसरा खिलजी वंश का, तीसरा तुगलक वंश। 1320 से इनका शासन स्टार्ट होता है और 1414 पर जाके ख़त्म होता है। तो 1320 से 1414, ठीक है, 1320 से 1414 के बीच इनका शासन रहता है, किसका, तुगलक वंश का। संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा खेल। तो देखिए खेल के खे से अगर मैं देखूं तो खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की। और सैयद वंश कब से कब तक था, ये 1419 से स्टार्ट होता है आपका और 1451 पे ख़त्म होता है। तो ये याद रखिएगा क्रम, 1419 से 1451 खिज्र खां था खिलजी वंश, सैयद वंश का संस्थापक। लास्ट आता है गाइस, देखिए आप ट्रिक में हमारा क्या लिखा हुआ है, लॉ। तो खेल के लॉ से क्या हो जाएगा आपका, बहलोल लोधी, नाम में लोधी है, तो किस वंश का संस्थापक था, ये लोधी वंश का संस्थापक था। तो ये हो गया हमारा गाइज। अगर मैं इसके शासन की बात करूं तो लोधी वंश का 1451 पे स्टार्ट होता है वंश और 1526 पे जाके आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बस गाइज आपको एक लाइन याद रखनी है, ऐबक जल गया खेल में। तो ए से कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, ज से जलालुद्दीन,
खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, गया से गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, खे से खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक, लौ से बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। सारे क्रम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इस ऐसी वीडियोज और चाहिए गाइज जिसमें कि ट्रिक हम डिस्कस करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।